बच्चों, ये है आपका लेक्चर 165 और हम कर रहे हैं आपके इंग्लिश के मोमेंट्स में से सप्लीमेंट्री रीडर में से द हैप्पी प्रिंस, जो कि है इस सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। इसका पेज नंबर है 28, ठीक है, 28 पेज नंबर है इसका। सो ये चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस एक्चुअली क्या है? हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू है, एक बहुत ही सुंदर स्टैचू है और वो पूरा गोल्ड से लदा हुआ है। वो पूरा स्टैचू गोल्ड का बना हुआ है। उसकी आंखों में सफायर लगे हुए हैं। सफायर का मतलब क्या होता है? पत्थर होते हैं, कीमती पत्थर, ठीक है। एंड अ रूबी इन हिज स्वर्ड, और उसके जो तलवार है उस पर रूबी लगी हुई है। रूबी भी एक बहुत ज्यादा कीमती पत्थर होता है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स। वो चाहता है उसके शरीर पे जो गोल्ड लगा हुआ है, उसकी आंखों में जो रूबी लगी हुई है, उसकी आंखों में जो सफायर्स हैं, उसके तलवार पे जो रूबी है, वो दान कर दे। वो क्यों चाह रहा है ऐसा? हैप्पी प्रिंस ऐसा क्यों चाह रहा है? ये वाली स्टोरी लिखी है ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड ऐसी स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। इस स्टोरी में एक मॉरल भी है और दिखाया गया है भाई जो दुख दर्द वो सब दिखाया गया है स्टोरी द्वारा। सो इट इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। सो हैप्पी प्रिंस की स्टोरी है। वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी। High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. एक सिटी थी, सिटी के ऊंच मतलब सिटी की ऊंचाई पे एक टॉल कॉलम पे, एक ऊंचे कॉलम पे, देखो ये ऊंचा कॉलम है, ठीक है, एक टॉल कॉलम पे stood the statue of the happy prince. Happy prince का statue खड़ा था। He was gilded all over with thin leaves of fine gold. मतलब उसके चारों तरफ जैसे गोल्ड, पूरा वो गोल्ड से सना हुआ था। थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड मतलब पूरा उसका शरीर पतले पतले गोल्ड से बना हुआ था। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, और उसकी आंखों में क्या लगे हुए थे? ब्राइट सफायर्स लगे हुए थे, मतलब दो नीलम के पत्थर बोलते हैं ना। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वर्ड हिल्ट, और उसका जो स्वर्ड था तलवार पे रूबी लगी हुई थी, बड़ी सी लाल कलर की रूबी। तो ये भी एक बहुत ही मतलब दोनों ये तीनों बहुत ही महंगे पत्थर हैं जो उसकी आंखों पे लगे हुए थे, इसकी रूबी पे। और उसका पूरे शरीर मतलब स्टैचू का पूरा शरीर किसका बना हुआ था? गोल्ड का बना हुआ था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल श्वेलो। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। एक रात क्या हुआ, उस सिटी में एक श्वेलो उड़ता उड़ता आया, छोटा सा श्वेलो, छोटा सा बर्ड है श्वेलो, एक छोटा सा बर्ड है जो उड़ता उड़ता उस सिटी में आया, हैप्पी प्रिंस की सिटी में आया। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके जो बाकी पक्षी थे, जो बाकी पक्षी दोस्त थे, वो इजिप्ट उड़ गए थे 6 हफ्ते पहले ही, पर वो पीछे रह गया था। अब उसने सोचा वो भी इजिप्ट जाएगा। All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरी जो पूरा दिन वो उड़ता रहा और रात को फिर वो हैप्पी प्रिंस की सिटी में पहुंचा। सो वह हैप्पी प्रिंस की सिटी में पहुंचा, फिर उसने सोचा कि भाई वेयर शल आई पुट अप, ही सैड आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस। अब सोच रहा है कि भाई अब मैं यहाँ कहाँ रुकूं। सो ही सैड आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस। तो उसने कहा कि ये जो टाउन वाले हैं, ये जो शहर वाले हैं, इन्होंने तो मेरे लिए पहले ही तैयारी कर रखी है। कैसे? उसने सोचा मैं स्टैचू पे ही रुक जाता हूँ। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, मतलब ये बड़े से कॉलम पे, खंबे पे जो स्टैचू था उसने उसको देखा। आई विल पुट अप देयर ही ट्राइड, इट इज अ फाइन पोजिशन विद अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। उसने सोचा मैं यहीं रेस्ट कर लेता हूँ, इसके जो हैप्पी फीट, हैप्पी प्रिंस के जो पैर हैं, इस मूर्ति के पैर हैं, यहाँ पे मैं
लेट के आराम कर लेता हूँ, यहाँ पे हवा भी ताजी है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। उसने कहा ये तो आज मेरा गोल्डन बेडरूम हो गया। वो कहाँ सोया था, मतलब कहाँ, वो इसके पैरों पे। और मैंने ये मैंने आपको शुरू में ही बताया पूरी मूर्ति किसकी बनी हुई है, गोल्ड की। तो उसने कहा कि आज तो मेरा गोल्डन बेडरूम हो गया, क्योंकि वो गोल्ड के बीच में सो रहा था। सो एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और फिर वो सो गया, मतलब सोने की तैयारी में ही था। नेक्स्ट पेज 29, ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, तो सोने की तैयारी में ही था। बट जस्ट एज ही सॉ, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हर विंग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वॉटर फेल ऑन हिम। पर जैसे ही वो अपने परों के नीचे अपने सर को दबा के सोने ही वाला था, एक बहुत बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरी, बर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ी बूंद गिरी। वॉट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, और वो बर्ड चिल्लाया, श्वेलो चिल्लाया छोटा सा, ये क्या हो गया, वो क्यूरियस थिंग, ये क्या अजीब है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आज तो आसमान में एक भी बादल नहीं है। स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और स्टार्स भी एकदम क्लियरली और ब्राइटली दिख रहे हैं, तो भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और बूंद गिरी उस बर्ड के ऊपर, उस लिटिल श्वेलो के ऊपर। वॉट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। उसने कहा कि मैं बर्ड हूँ, मैं स्टैचू के नीचे सोया हूँ, तो मुझे, और मैं स्टैचू के पैरों के नीचे हूँ, इतना बड़ा स्टैचू है, पर इस स्टैचू का मतलब क्या, जब तो भी मुझे रेन, भाई मेरे को बारिश की बूंद अड़ रही है, तो मतलब क्या ऐसे स्टैचू का। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। तो उसने कहा किसी और मैं चिमनी वाली जगह पे चला जाता हूँ और वहां जाके मैं सोता हूँ, और उसने सोचा अब यहाँ से उड़ जाता हूँ कि इस स्टैचू पे तो बारिश आ रही है। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, आ व्हाट डिड ही सी। फिर जब तीसरी बूंद भी उसके ऊपर गिरी, तो वो उसने ऊपर देखा, तो उसने देखा, क्या देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल दैट द लिटिल श्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। अब उसने क्या देखा, ये पानी नहीं, ये तो हैप्पी प्रिंस के आंखों के आंसू थे, जो कि उसके सुनहरे गालों से होते हुए गिर रहे थे। इतने सुंदर प्रिंस को रोते हुए श्वेलो को दया आ गई। श्वेलो ने पूछा कि तुम इतने सुंदर हो, मतलब वो रात की रोशनी में और सुंदर लग रहा था वो सोने का बना हुआ हैप्पी प्रिंस। तो उसने कहा कि भाई हु आर यू, ही सैड, मतलब श्वेलो उससे पूछ रहा है हैप्पी प्रिंस से कि तुम कौन हो। सो वो बताता है, मूर्ति बताती है, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. तो कहता है तेरा नाम हैप्पी प्रिंस है, तो तू रो क्यों रहा है, तूने तो मुझे भिगो ही दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब इसकी कहानी सुनो, क्या कहानी सुनाता है अपने रोने की। हैप्पी प्रिंस बोलता है, जब मैं जिंदा था, और जब मैं जिंदा था मेरे पास इंसानी दिल था, पर तब मुझे पता ही नहीं था आंसू क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत बड़े पैलेस में रहता था, भाई मैं एक बहुत बड़े महल में रहता था, और उस महल में दुख आ ही नहीं सकता था, मैं राजा था, ठीक है। राजा ने क्या दुख देखा होगा, सब उसको हाज सब उसके पास पहले से ही होता है। बोले मैंने दुख ही नहीं देखा था,
और इसलिए मेरे कोर्टियर्स, मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। और सच में मैं बहुत ही हैप्पी था, इसलिए मैं बहुत लंबा जिया और फिर मैं मरा भी। और फिर जब मैं मरा तो उन्होंने प्यार में मेरी एक बड़ी मूर्ति बनाई, सोने की मूर्ति बना के इस सिटी के बीचों बीच इतनी ऊंची लगा दी है कि अब मुझे इस मेरी सिटी की सारा दुख, सारी मिसरी दिख रही है। मिसरी मतलब दुख दिख रहा है, माइसरी दिख रही है, अगलीनेस, इस सिटी, ये सिटी कितनी गंदी है मुझे वो दिख रहा है। और आज भले ही मैं पुतला हूँ, पर आज मेरा मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है। पुतला है तो हार्ट लेड का बना हुआ है, लेड एक मेटल होता है। सो आज इन्होंने मेरा हार्ट लेड का बनवाया है, पुतला हूँ तो, पर मुझे आज रोना आ रहा है। पहले बोले, पहले इंसान था तो भी मुझे रोना नहीं आता था, जबकि इंसानों का दिल कितना कोमल होता है, उनको रोना आता है। पर मैंने बोले कभी देखा ही नहीं था मैंने दुख, तो मुझे रोना आया ही नहीं कभी। और आज बोले जब मेरा मेरा दिल जो आज लेड का हो गया है, तो आज मुझे रोना आ रहा है इतना। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द श्वेलो टू हिमसेल्फ, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। तो ये श्वेलो खुद से, मतलब खुद मन में सोच रहा है कि क्या ये पक्के गोल्ड का नहीं बना है कि इस तरह से रो पा रहा है, पर उसने उसको नहीं बोला। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street, there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see her seated at a table. Her face is thin and worn, as she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asked to give him oranges. Has nothing but river water, so he is crying. Shwello, Shwello, little Shwello, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. अब क्या बोल रहा है? अब हैप्पी प्रिंस अपनी बात पे आ रहा है, वो सीधी अपनी बात कर रहा है। वो कह रहा है फार अवे, यहाँ से थोड़ा दूर एक छोटी सी स्ट्रीट है, छोटी सी गली है, और वहाँ पे एक गरीब घर है। वहाँ की एक खिड़की हमेशा खुली होती है, और उस खिड़की से मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना ऊंचा खड़ा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि एक औरत एक चेयर पे बैठी होती है। उसका फेस बहुत ही पतला और वॉन है, मतलब एकदम गंदा सा फेस, या मतलब उतरा हुआ फेस, ठीक है, उतरा हुआ फेस। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस, और उसके हाथ एकदम कोर्स है, मतलब एकदम उसके हाथ रफ हो गए हैं, लाल हो गए हैं, और पूरे उसके हाथ सुई से छिल गए हैं, मतलब पूरे सुई से छिल छिल के लाल हो गए हाथ, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस का मतलब वो एक लेडी टेलर है, दर्जिन है, मतलब कपड़े सीती है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। बोले वो क्वीन की सहेलियों के लिए सेटिंग गाउन पे फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, मतलब एक फंक्शन के लिए क्वीन की सहेलियों को गाउन चाहिए, सेटिन गाउन, और वो उनके लिए गाउन बना रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और उसी रूम के कोने में एक बिस्तरे पे उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा है। ही हैज अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। उसको बुखार है और वो अपनी मदर को ऑरेंज देने के लिए बोल रहा है कि उसे ऑरेंज, उसका गला सूख रहा है बुखार की वजह से, वो ऑरेंज मांग रहा है अपनी माँ से। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वॉटर। उसकी माँ को उसके उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी माँ सिर्फ उसके और नदी का पानी भर के आके देती है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो लड़का भूख से रो रहा है।
श्वेलो श्वेलो लिटिल श्वेलो, वो अब उस बर्ड को बोल रहा है प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, कि उस भाई नन्हे श्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी ऑफ माई स्वर्ड हिल्ट। ये जो मेरे स्वर्ड है, जो मेरी तलवार के हिल्ट पे, मतलब ऊंचे हिस्से पे जो ये रूबी है, रूबी जड़ी हुई है, तो ये जो रूबी, रूबी मतलब एक बहुत ही महंगा पत्थर होता है, ठीक है पत्थर, मणि, मणि बोलते हैं। सो ये मणि बहुत महंगी बिकती है, ठीक है, डायमंड्स और इन भाव में बिकती है। सो कहता है तू मेरे इस स्वर्ड की जो रूबी है उसको जाके नहीं देगा। अब वो बताता है कि वो खुद क्यों नहीं दे सकता। वो कहता है माई फीट आर फास्टन्ड टू हिस टू दिस पेडेस्टल, मेरे पैर है ना इस पेडेस्टल पे बांध दिए गए हैं, मतलब जिस पे ये खड़ा है इस पे इसके पैर बांध दिए गए हैं, एंड आई कैन नॉट मूव, मैं खुद मूव नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं खुद दे आता। तो वो उस श्वेलो को बोलता है, छोटे से बर्ड को बोलता है, मेरे तलवार की ये जो छोटी सी मणि है ये ले जाके तू उनके घर में, उस सी मिस्ट्रेस के घर में दे के आ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द श्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। वो कह रहा है कि मुझे इजिप्ट की तरफ जाना है और जो मेरे फ्रेंड्स है वहाँ, जो इजिप्ट में रिवर नाइल है वहाँ मस्त वो उस नदी में ऊपर नीचे तैर रहे होंगे और बड़े बड़े जो लोटस फ्लावर्स हैं वहाँ का मजा ले रहे होंगे, और अब तो वो सोने भी चले गए होंगे। प्रिंस ने श्वेलो को कहा कि सिर्फ एक रात मेरे लिए तू यहाँ रुक जा और तू आज आज रात के लिए मेरा मैसेंजर बन जा, मतलब मैसेंजर मतलब मेरा दूत बन जा, आज तू मेरा काम कर दे। द बॉय सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सेड, उसने कहा वो लड़का इतना बेचारा प्यासा है और उसकी माँ इतनी दुखी है। तो श्वेलो ने कहा मुझे लड़के पसंद नहीं हैं और मुझे इजिप्ट जाना है, पर वो हैप्पी प्रिंस इतना दुखी लग रहा था कि आखिर लिटिल श्वेलो वो सॉरी इट इज वेरी ही सैड बट ही एग्री टू स्टे विद, उसने कहा यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है पर आज रात के लिए तू बोल रहा है तो मैं रुक जाता हूँ और आज रात के लिए मैं तेरा दूत बन जाता हूँ, मैं जाके